मोदी जी नमस्कार नमस्कार मैं कोल्लापुर बूथ क्रमांक डॉक्टर सदानंद राजवर्धन आपसे प्रश्न कर रहा हूं हाल के दिनों में हमने देखा है कि भ्रष्ट और खुद वंशवादी पार्टियां केंद्र और राज्यों में भाजपा भाजपा के खिलाफ हाथों में हाथ डाल के इकट्ठा होके अपने खिलाफ आ रही है आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि की हमें उनको किस तरह से जवाब देना चाहिए थैंक यू बसा डॉक्टर अरे कार्य करू न देखिए उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है हमने भी गठबंधन किया है उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है हमने सवा सौ करोड़ देशवासियों के साथ गठबंधन किया है बताइए आपको क्या लगता है दलों का गठबंधन ताकतवर है कि सवा सौ करोड़ देशवासियों के दिलों का गठबंधन ताकतवर है कौन सा है जरा जोर से बताइए। देखिए हमारा गठबंधन है लेकिन हमारा गठबंधन सवा सौ करोड़ देशवासियों से है हमारा गठबंधन सवा सौ देशवासियों के सपनों से है हमारा गठबंधन सवा सौ करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं के साथ है और हम उनको समर्पित हैं। उनके लिए जिएंगे, उनके लिए जूझेंगे उनके लिए जी जात अपना जीवन खपाते रहेंगे ये काम करने वाले हम लोग हैं आपने देखा होगा कि कलकत्ता के उस मंच पर अधिकतम नेता ऐसे थे जो या तो किसी बड़े आदमी के बेटे हैं या अपने बेटे बेटी को सेट करने की कोशिश में हैं। उनके और हमारे बीच फर्क साफ है एक तरफ धन शक्ति है तो हमारे पास जन शक्ति है एक तरफ पैसों का अंबार है तो हमारे पास कर्मठ कार्यकर्ताओं का पसीना है एक तरफ वो लोग खुद के परिवार को बचाने या बढ़ाने में लगे हैं हम लोग देश को बनाने में लगे हैं देश ही, ही हमारा परिवार है जिन लोगों के खिलाफ पंचायत चुनाव में भी कोई खड़ा हो जाए तो मारकाट शुरू कर देते हैं वो आज लोकतंत्र बचाने के गीत गा रहे हैं जिन लोगों की खुद की पार्टी में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है वो आज देश में लोकतंत्र के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने के लिए बचकाना बातें कर रहे हैं एक चीज आपने जरूर देखी होगी कि अभी से इन लोगों ने हार के बहाने भी बताने शुरू कर दिए अभी से ही ईवीएम को विलेन बनाया जा रहा है यह स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है लेकिन चिंता की बात तब होती है जब कुछ दल जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं और इसलिए बार बार अपना रंग बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं मैं फिर एक बार कहूंगा कि देश के लिए बहुत ही खतरनाक खेल है चिंता का विषय है और ये वही लोग हैं जो बेझिझक देश की संस्थाओं को बदनाम करने से पहले सोचते भी नहीं है उनको किसी संस्था पर विश्वास नहीं इतने सालों तक उन्होंने देश को बर्बाद किया और अब ये संवैधानिक संस्थाओं को भी बदनाम करने में जुटे हुए हैं। आपने एक और बात देखी होगी जिस मंच से ये लोग देश और लोकतंत्र बचाने की बातें कर रहे थे उसी मंच पर एक नेता ने बोफोर्स घोटाले की याद दिला दी आखिर सच्चाई कब तक छुपती है कभी न कभी तो सच निकल के आ ही जाता है जो कल कलकत्ते में हुआ ये महागठबंधन एक अनोखा बंधन है ये बंधन तो नामदारों का, तो का बंधन है ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है ये बंधन तो भ्रष्टाचार का बंधन है ये बंधन तो गोटालों का बंधन है ये बंधन तो नकारात्मकता का बंधन है ये बंधन तो अस्थिरता का बंधन है ये बंधन तो असमानता का बंधन है ये एक अद्भुत संयम है जहां तक महाराष्ट्र की बात है यहाँ के लोगों ने तो ऐसे ऐसे राजनीतिक गठबंधन देखे हैं, जिसने बड़े बड़े घोटाले किए लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान लेकिन इन लोगों ने धोखा धोखा घड़ी के अपने खेल में हमारे जवानों और किसानों को भी नहीं छोड़ा आपको अच्छी तरह याद होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी नेतृत्व वाली सरकार ने एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां भ्रष्टाचार न किया हो लोग इस तरह की राजनीति से थक चुके हैं और इसे केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में साफ देखा जा सकता है